वेलकम टू माई चैनल। तो दोस्तों आज हम हैं बजाज के शोरूम में और आज आपको मैं बताऊंगा बजाज डोमिनार 250 के बारे में जो आपके नीरज शोरूम में आ चुकी है, क्या क्या बदलाव हैं, क्या क्या प्राइस है इसका, क्या क्या फीचर्स स्पेसिफिकेशन सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बाइक और टूरिस्ट स्पॉट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मेरे चैनल में आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके प्राइस से। इसका एक शोरूम प्राइस आपको पड़ जाता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 1,65,000 के आसपास और इसका ऑन रोड प्राइस आपको पड़ता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 1,86,000 के आसपास। और दोस्तों अगर आप एक ऐसी बाइक सर्च कर रहे हैं जो आपके लॉन्ग टूर्स के लिए आप उसको ले जा सकें तो शुरुआत करते हैं इसके दोस्तों फ्रंट से। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव आपको इसका हेडलैम्प मिलता है, एलईडी वाला हेडलैम्प आपको यहाँ पे मिलता है, एलईडी विथ एएचओ वाला हेडलैम्प आपको मिल सकता है, काफ़ी रोबोटिक टाइप का डिज़ाइन आपको मिलता है और ब्लैक के साथ इसका जो रेड का जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी शानदार आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं इसका वाइज़र है बहुत ही शानदार और प्रीमियम क्वालिटी का आपको मिलता है। एलईडी इंडिकेटर्स आपको फ्रंट में मिलते हैं और ये आप देख सकते हैं फेंडर है उसमें भी आपका है रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और हम साइड से देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं साइड से इसका प्रोफाइल। तो दोस्तों फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिलता है विथ यूएसडी फॉक्स मिलते हैं आपको फ्रंट में और इसका ट्रेवल है 135 mm का और 37 mm का मिलता है आपको यूएसडी फॉक्स। तो फ्रंट सस्पेंशन आपको मिलता है टेलीस्कोपिक टाइप का फ्रंट सस्पेंशन यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर दोस्तों फ्रंट ब्रेक की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है ABS, इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS आपको यहाँ पे मिलता है जिसका डिस्क साइज़ आपको मिलता है 300 mm का डिस्क साइज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे वेब्रे का आपको मिलता है सिंगल चैनल ABS। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिक टाइप का डिज़ाइन आपको फ्रंट में मिलता है और आपको फ्रंट में जो टायर्स हैं काफ़ी अच्छी ग्रिप के टायर आपको मिलते हैं फ्रंट में और आप लॉन्ग टूर्स के लिए ही इसको टायर को डिज़ाइन यहाँ पे किया गया है और ब्लैकआउट वाला एग्जॉय व्हील आपको मिलता है। और साइड से हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का व्यू आपको साइड से देखने को मिल जाता है। और अगर दोस्तों इसके इंजन की बात करें तो इंजन आपको मिलता है इसका सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक DOHC 4-वाल्व लिक्विड कूल्ड इंजन यहाँ पर आपको मिलता है और ये अब फ्यूल इंजेक्टेड इंजन हो चुका है BS6 में। और इसका डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 248.7 cc का डिस्प्लेसमेंट आपको मिलता है। पावर की बात करें तो 27 bhp का पावर आपको मिलता है 8500 rpm पे और टॉर्क की बात करें तो 23.5 Nm का टॉर्क आपको मिलता है 6500 rpm पे। और क्लच यहाँ पे आपको मिलता है वेट मल्टीप्लेट क्लच आपको मिलता है और गियर्स आपको मिलते हैं इसमें 6 का जो फ्रेम है फ्रेम आपको मिलता है बीम टाइप पैरामीटर फ्रेम आपको यहाँ पर मिलता है। अभी दोस्तों मैं सब आपका इसका स्पेसिफिकेशंस बता रहा हूँ फिर क्या क्या फीचर्स है वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों रियर सस्पेंशन की बात करें तो रियर में आपको मिलता है मल्टी स्टेप एडजस्टेबल टाइप का मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिलता है और व्हील स्ट्रोक उसका है 110 mm का। और रियर में अगर हम ब्रेक्स की बात करें तो रियर में भी आपको मिलता है ABS जिसका डिस्क साइज़ है 230 mm का। और फ्रंट टायर्स की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलते हैं 100x80 का 17 inch का ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है फ्रंट में, रियर में आपको मिलता है 130x70 का 17 inch का ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाता है रियर में। अगर दोस्तों इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 13 liters का फ्यूल टैंक। आइए अब जानते हैं इसमें और क्या क्या चेंजेस इसमें किया गया है। तो दोस्तों अगर डिफरेंसेस की बात करें 250 cc और 400 cc डोमिनार में तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इसके प्राइस का। और जो डोमिनार 400 है उसमें आपको 43 mm का USD फॉक्स मिलता है, इसमें आपको 37 mm का मिलता है और इसका जो फ्रंट का अलॉय व्हील है ये
डायमंड कट नहीं है, लेकिन 400 डोमिनार में आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिलता है। और ये सब डिफरेंसेस हैं 250 सीसी और 400 सीसी डोमिनार में। आप चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ओर, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं काफ़ी शानदार और यूनिक बेहतरीन डिज़ाइन का आपको मिलता है। ये RPM मीटर मिलता है, कितनी गाड़ी की स्पीड है यहाँ पे आपको मिलता है, और फ्यूल लेवल इंडिकेटर मिलता है यहाँ पे, आप टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, काफ़ी डिटेल्ड आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। ये ट्रिप का बटन है, यहाँ से आप अपना सेटिंग कर सकते हैं कि आपको कौन सा आप कितने किलोमीटर चली है, माइलेज क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिलता है। ये गियर, कौन से गियर में आपकी गाड़ी चल रही है, ये भी यहाँ पे आप जान सकते हैं। और ये फ्यूल अभी आपका लो है, इस कारण ये वाला लाइट ब्लिंक यहाँ पे कर रहा है। और सबसे अच्छी बात है, ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर जो दिख रहा है काफ़ी शानदार दिख रहा है। और इसमें आप इसका जो हैंडल बार है दोस्तों, वो भी रेज हो चुका है, जो कि अब आपके गाड़ी की ओवरऑल राइडिंग कम्फर्ट को भी यहाँ पर आपको बढ़ा देगा। और इसके मिरर्स जो हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड मिरर आपको मिलते हैं, और इसका जो क्वालिटी भी है दोस्तों काफ़ी शानदार है, मजबूत है काफ़ी। तो ये शानदार खूबियों के साथ आपको मिलता है आपका बजाज डोमिनार। और ये आप देख सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो एक है ही है, यहाँ पे भी आप काफ़ी डिटेल मिलता है, बजाज का लोगो मिलता है, और यहाँ पे इंजन टेम्परेचर है, बैटरी का स्टेटस क्या है वो आपको पता चलेगा, ABS का बटन है, तो काफ़ी शानदार मिलता है यहाँ पर आपको डिटेल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। या डोमिनार की ब्रांडिंग आप देख सकते हैं, और रेड के ऊपर जो डोमिनार का ब्रांडिंग 3D लोगो आपको यहाँ पे काफ़ी शानदार मिलता है। जो टैंक के ऊपर डिज़ाइन है वो भी काफ़ी शानदार यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। आप ये एब्डोमिनल गार्ड आपको मिलता है, सीट्स जो हैं दोस्तों काफ़ी कंफर्टेबल हैं, चौड़ी सीट्स है, सॉफ्ट सीट आपको मिलती है। रियर में आप देखेंगे तो रियर के पिलियन के लिए भी जो सीट्स है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है। और ये डोमिनार का ब्रांडिंग आप यहाँ देख सकते हैं, D250 लिखा हुआ है, डोमिनार D स्टैंड फॉर डोमिनार, ये 250 सीसी है तो उसको D250 यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। और पीछे का पोजीशनिंग आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार आपको मिलता है, स्प्लिट टाइप का ग्रेवरेल आपको मिलता है। और पीछे से दोस्तों आपको LED टेल लाइट मिल जाती है, LED टेल लैंप्स आपको पीछे में मिल जाते हैं, और पीछे से भी लुक इसका काफ़ी शानदार यहाँ पे आपको मिल जाता है। साइड से हम देखेंगे तो इसका ड्यूअल बैरल एग्जॉस्ट आपको मिलता है, एग्जॉस्ट साउंड भी आपको इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। और ये आप देख सकते हैं इसका ABS पीछे आगे पीछे दोनों में आपको ABS मिलता है। और साइड से हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का व्यू आपको मिलता है साइड से, ये आप देख सकते हैं DTSI की ब्रांडिंग है, ट्विन स्पार्क इंजन यहाँ पे आपको बजाज का जो मिल जाता है। और ये आप देख सकते हैं कूलेंट है, कूलेंट का लेवल यहाँ पे आपको शो कर रहा है, क्योंकि लिक्विड कूल्ड इंजन आपको मिलता है। और ये टैंक का श्राउड है, ये काफ़ी शानदार रेड कलर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी यूनिक और बेहतरीन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिलता है इसका इंजन प्रोटेक्टर काउल, वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड है, और उसका भी कलर कॉम्बिनेशन आपको मिलता है ब्लैक और रेड का, जो कि काफ़ी शानदार दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें बताएं, और आपके मन में कुछ सवाल है तो ज़रूर हमसे पूछें। थैंक यू फ्रेंड्स।